वंदे मातरम। सबसे पहले मैं गोविंद भैया को प्रणाम करती हूँ। भैया, आपने जो मुझे चक्कर और कमजोरी के लिए घरेलू उपाय बताए थे, उसको मात्र मैं अभी 4-5 दिन ही की हूँ। मुझे बहुत काफ़ी लाभ मिला है। पहले तो मुझे जैसे सीढ़ी चढ़ते थे तो वो चक्कर देने लगता था, सांस फूलता था और कमज़ोरी इतना लगता था कि मुझे कुछ काम करने का मन ही नहीं करता था और किसी से बात करने का मन नहीं करता था। लेकिन आपसे जब संपर्क किया, आपने जो बताया मुझे घरेलू उपाय, उसको लिए हुए आज 4-5 दिन हुए, मुझे मतलब आश्चर्यजनक लाभ हुआ है उसमें। आप बोले थे लेने के लिए मुझे 10 से 12 बादाम रात में पानी में भिंगो देने के लिए बोले थे। सुबह उसका छिलका उतार करके उसको मिक्सी में बारीक पेस्ट बनाने बोले थे। उसमें 3-4 काली मिर्च, 2 चुटकी सौंफ डाल करके बारीक पेस्ट बनाने के लिए बोले थे और 1 कप दूध में उसको अच्छे से उबालने के लिए बोले थे और उबालते समय उसमें 4-5 मुनक्का भी डालने बोले थे। तो मैं उसी तरह से बनाई उसको अच्छे से कम आँच पे। जब दूध आधा से भी कम बचता था, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता था बादाम को पकाते हुए, तो मैं उसको बंद कर देती थी गैस। उसके बाद हल्का ठंडा, जब ठंडा हो जाता था उसमें थोड़ा मिश्री मिलाकर उसको सुबह नाश्ते के बाद, मात्र अभी 4-5 दिन ली हूँ, मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है। जैसे काम में पहले बिल्कुल एनर्जी नहीं मिलता था, वो देख रहे हैं एनर्जी लेवल मेरा बढ़ गया है और पहले से फुर्ती भी आ गया है, सांस भी नहीं फूल रहा है। मैं गोविंद भैया जी को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। भैया, आप इतना निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, हम लोग को घरेलू उपाय से स्वस्थ कर रहे हैं। भैया, आपको फिर से आपको कोटि कोटि प्रणाम। भैया, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।